देखिए, आज हम समझेंगे एक्सरसाइज 1.8 का थ्योरी पार्ट। 1.8 पे मूव करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना ज़रूरी है। कैसे हम फॉर्मूले की लिस्ट को कम करें लॉजिकली, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझें। जैसे हम बात करते हैं ए यूनियन बी, ये जो यूनियन है ये रिप्रेजेंट करता है और, या तो ए इवेंट हो रहा होगा या तो बी इवेंट परफॉर्म हो रहा होगा या दोनों ही इवेंट परफॉर्म हो रहे होंगे। ए इंटरसेक्शन बी की जब हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है एंड को, क्लियर। तो ये पूरे का मतलब हो गया एंड और इस पूरे का मतलब हो गया और। अब देखिए, एक फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, एन ए यूनियन बी ये होता है इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब देखें तो ए यूनियन बी मतलब या तो ए और बी, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन मीन्स नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि ओनली ए वाले कितने होंगे। भाई ए वाले तो हमें पता है, लेकिन ये ए वाले हो सकते हैं कुछ और भी कर रहे हो, लेकिन ओनली ए, ओनली ए करने वाले कितने होंगे। तो इसको आपको अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना, फॉर्मूला नहीं याद रखना है, इसी में जहाँ जहाँ ए है उसको यूज कीजिए, यानी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। ओनली ए को हम ये भी कह सकते हैं अगर ए और बी दो ऑपरेशन है तो ए माइनस बी, ए में से बी वाले को अलग कर दीजिए, मीन सिर्फ ए वाले बचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली ओनली बी ये हम कैसे फाइंड करेंगे, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से, इसमें जहाँ जहाँ बी आ रहा है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है, हाँ एक और चीज कि ओनली ए भी लिखा होता है, कई बार लिखा होता है ए बट नॉट बी, तो इसका मतलब भी यही है, ओनली ए या बी बट नॉट ए, ओनली बी, क्लियर। अब देखें अगला है, कई बार दिया रहता है कुछ डाटा कि 100 लोगों का हमने सर्वे किया या 500 लोगों का सर्वे किया, ठीक है। तो वो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, यानी कि टोटल वैल्यू और काउंट, क्लियर। अब देखें एन ए यूनियन बी ये इसके इक्वल तब होगा जब अगर ये कहा जाए कि हर एक बंदा जो है इसमें से एक न एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हो, ईच वन इज परफॉर्मिंग एटलीस्ट वन इवेंट। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल वैल्यू हमारा इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी। ये तभी होगा, ध्यान दे, कि अगर कुछ ऐसे काउंट नहीं होने चाहिए हमारे पास कि जो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसमें टोटल में हम ये चीज कंसीडर नहीं कर पाएंगे। टोटल वैल्यू में ये चीज कंसीडरेबल तभी होगा जब हर एक बंदा एक न एक इवेंट परफॉर्म कर रहा होगा, इतना क्लियर है। सेम अगर तीन इवेंट है हमारे पास ए बी सी, तो वहां याद रखना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। प्रीवियस फॉर्मूले से ही हम इसको डिराइव कर सकते हैं, प्रीवियसली था एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ तीन है तो ए और बी और सी, यानी कि तीनों में से एटलीस्ट वन इवेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा,
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, पहले सिंगल कॉम्बिनेशन लिखे हर एक का ए बी सी का, तो ये प्लस में लिखे हैं, देन माइनस में दो दो का पेयर यूज कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, एंड देन तीन बार तीन का आप कॉम्बिनेशन ट्राई करें, तो देन प्लस माइनस देन प्लस एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना क्लियर है ना। अब इसमें अगर ओनली ए बोला हो तो क्या करेंगे, जहां जहां ए है तो उसको लिख दीजिए, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ए यहां है, यहां है, यहां है और इसमें भी ए है, तो ये बन जाएगा, इतना क्लियर है नाउ। एक और चीज आपको दिमाग में रखना है, अगर दिया हुआ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अगर ए बी सी हमारे पास तीन इवेंट है, और मान लिए हमारे पास दिया हुआ है 100 ऐसे लोग हैं विच आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशंस, ठीक है, या एनी इवेंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको रीड कैसे करेंगे, नॉट परफॉर्मिंग ए एंड नॉट परफॉर्मिंग बी एंड नॉट परफॉर्मिंग सी, तो ये अगर हम यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ यूज करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा टोटल माइनस एन ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल मीन्स यूनिवर्सल सेट, क्लियर। तो ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है, कई बार होता है कि कुछ ऐसे डाटा हमारे पास गिवन है जो कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो उसका लॉजिक ये है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, अब ये तीन में भी अगर टोटल को हमें कंसीडर करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसके लिए क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है। टोटल तभी कंसिडरेबल है ए यूनियन बी यूनियन सी के जब क्वेश्चन में ये गिवन हो कि ऑल ऑफ देम परफॉर्म एट लीस्ट वन टास्क या इवेंट, सबके सब एक न एक काम कर रहे हो, तभी वो टोटल को हम लिख सकते हैं, इस टोटल को एन ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो ए कर रहा होगा या तो बी कर रहा होगा या तो सी कर रहा होगा। अगर उसी क्वेश्चंस में अगर हमारे पास ये गिवन है और ये चीज नहीं है ऑल ऑफ देम, और ये गिवन है कि 30 ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, देन हम ये गलती मत कीजिएगा कि टोटल को अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी कह रहे हैं तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, एक न एक इवेंट परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उसी टोटल में हमारे पास कुछ ऐसे 30 लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये टोटल से हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इतना लॉजिक अगर आपके क्लियर हैं तो अब आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से एक्सरसाइज 1.8 के बन जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले को दिमाग में रखने के लिए जो लॉजिक है वो समझना जरूरी है, तो फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और प्लस फॉर्मूले के जो लिस्ट है उसको भी आप छोटा कर पाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.8 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।